चाहेंगे, पार्टी अकेले से नहीं बनती। मैं तो आज अकेला विधायक हूँ, मैम का विधायक हूँ, दोबारा भी मुझे बनाने को मैम उतावला और मेरे साथ उनका पूर्ण आशीर्वाद है, लेकिन मेरा यही दौर है। मैं वही पूछने के लिए मैं उन लोगों से यही कहने जा रहा हूँ कि आप पूरे हल्के से 10-12 ऐसे युवाओं, डायनेमिक बुद्धिजीवियों को मेरे को दो, मैं अपनी विचारधारा उनके अंदर डालकर उनमें से एक बलराज कुंडू पैदा करके उनको देने का काम करूँगा। अगर ये लोग, ये प्रदेश के लोग, प्रदेश का भाईचारा इस बात के लिए तैयार करता है और वो कारवा बनाकर कंधे से कंधा मिलाकर मेरी इस यात्रा में मुझे आशीर्वाद देता है, तो निश्चित रूप से इस बात में कोई परहेज नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम पार्टी बनाने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। आदमी वो बाद की बात है, पहले तो आज मैं इस जनता को, इस युवा को, गरीब को, किसान को, सरपंच को, छोटे बड़े को, सबको जागृत करके खिलाड़ी को इस मैदान में उनके खिलाफ बिगुल बजाने के लिए तैयार करने के लिए, इस उनको जागृत करने के लिए, उनको जगाने के लिए मैं इस यात्रा के माध्यम से निकला हूँ। कब तक पार्टी नहीं बनाने? ये तो आगे पार्टी बनाने का निर्णय तो लोगों ने करना है, जनता ने करना है, प्रदेश के लोग। अगर वो मेरे साथ खड़े होते हैं तो उनसे पूछ कर वही इस बात को आगे बढ़ाएंगे, मैं नहीं। मेरी अगर पार्टी बनेगी तो वो लोगों को, उसको लोग चलाएंगे। किसको टिकट देने उसका फैसला वही लोग करेंगे, बलराज कुंडू नहीं करेगा। ये बाद का विषय, आज का विषय नहीं। आज तो मैं यहाँ से नारनौल से चलकर चंडीगढ़ विधानसभा तक जितनी समस्याएं, तकलीफ हैं, उनको इस अंधी भैरी को, सरकार को चला के को वहाँ दर्शाकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैं इस मुहिम पर निकला। सरकार से पहले की कांग्रेस की सरकार को 10 साल का मैंडेट, 2 बारी मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिया था और उसके बाद उनको जो जिस प्रकार से नकारा था मैंडेट से, जो 2 बार की सरकार को मात्र 9 विधायक देकर जो है ना सरकार से बाहर करने का काम किया था, और भाजपा सरकार को बड़ी उम्मीद के साथ में, क्योंकि भाजपा तो हरियाणा में थी नहीं, 2-3 विधायक थे, भाजपा की सरकार बनाने का काम, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन दूसरी बार मनोहर 2 चल रहा है, लगभग 8.5 साल, 8.25 साल हो गए हैं, 1.5 साल के करीब और बचा हुआ है। इसमें इन्होंने जो है ना उनसे भी कई गुना ज़्यादा बदतर करने का, हालात को जो है ना बिल्कुल त्राही त्राही करने का काम किया, हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया सरकार की नीतियों ने। तो आज प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है, लेकिन आज एक विडम्बना है प्रदेश के लोगों के पास, वो पहले वालों को भी देख चुके हैं, अब उनको एक विकल्प और एक नई दिशा की तरफ उनका इंतजार है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, आप देखेंगे बलराज कुंडू अकेला चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा कारवां बनकर प्रदेश के लोग उनको आशीर्वाद मुझे देंगे और मेरा साथ इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मेरे साथ देंगे।